हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद, ए प्रोफेशनल मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग सेंटर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे ही हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा इमीडिएटली इसकी एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी, जिससे आपको हमारा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फोन फिक्स HYD का एक फेसबुक पेज है, जहां पे आपको हर रोज यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट का लाइव वीडियो देखने को मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, बहुत सारे सॉल्यूशंस जो कि बच्चे हमारे पास से जाकर के काम करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट यहाँ से जाने के बाद काम कर रहे हैं, इन सब के आपको यहाँ पे लाइव यहाँ पे सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ से फॉलो करिए ताकि आपके पास इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स, हमारी डुअल डेकर का एक क्लास होता है EMMC का, जिसमें हम डुअल डेकर फ्री सिखाते हैं, जिसे यहाँ पे देख सकते हैं CPU और RAM डबल डेकर CPU जिसे कहा जाता है, A50 M30 वगैरह लेटेस्ट हैंडसेट में आपको OnePlus वगैरह में इस तरह के डबल IC देखने को मिलेगा जिसमें CPU के ऊपर RAM लगा होता है। तो इसकी क्लास फ्री हम देते हैं, जिसका फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे 10 दिन का क्लास होता है, जिसमें हम ओनली 20,000 फीस है और इसमें रहने के लिए रूम फ्री होता है आपको, और DSO की ट्रेनिंग फ्री इसके साथ देते हैं, और बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा एक्स्ट्रा, बहुत कुछ हम एक्स्ट्रा इसमें देते हैं। अगर आपके पास EMMC का काम आता है या आपको CPU वगैरह रिबॉलिंग करने नहीं आ रहा है तो ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ EMMC और डुअल डेकर CPU का क्लास सीखने को मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारा जो फुल कंप्लीट कोर्स है एंड्रॉइड का, जिसके अंदर हम यहाँ पे आपको सर्किट नॉलेज के साथ साथ IC लेवल पे काम सिखाते हैं, जिसमें फॉल्ट फाइंडिंग और डायग्नोस मेथड भी होता है। ये क्लास ज्वाइन करना है, हर महीना 27 तारीख से होती है, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिए, डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, डिटेल ले लीजिए अगर आपको एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है और देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम जो बात करने वाले हैं फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह का आपको काफी बार इस तरह का एक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिला होगा। तो प्रॉब्लम कभी कभार ये आ जाती है फ्रेंड्स के फिंगरप्रिंट आपका काम नहीं करता है, तो उसमें सप्लाइयाँ कैसी होती है, उसमें क्या प्रोटोकॉल होता है, कैसे वोल्टेज आता है, ये आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ओपन किया है Redmi Note 8 का। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो है हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर है फ्रेंड्स, इसका मैंने डायग्राम यहाँ पे खोला है और यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम बना के बताने की भी कोशिश की है कि कहाँ पे कैसे आपको चेकिंग करना है, क्या वोल्टेजेस यहाँ पे आते हैं। फ्रेंड्स, ये अगर प्रॉपर आपको सीखना है, अगर से किस तरह से ये डायग्राम बनाना है, एक एक सप्लायों की नॉलेज अगर आपको सीखनी है, सर्किट डायग्राम को कैसे समझना है, सीरीज कंपोनेंट लग के है कि पैरेलल लग के है, या फिर कितने वैल्यू के वहां पे कंपोनेंट है, कौन सी लाइन इन हो रही है, कौन सी आउट हो रही है, कहाँ पे इनेबल सिग्नल आ रहा है, कहाँ पे I2C लाइन काम कर रही है, कहाँ पे SPI प्रोटोकॉल चल रहा है, कहाँ पे CPU से जो सप्लायर होते हैं किस तरह से काम करते हैं, ये सब कुछ सीखने के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा फोन फिक्स हैदराबाद। डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, कॉल करके अपनी सीट बुक करा लीजिए। हर महीना बैच लगता है, 20 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसमें हम फॉल्ट फाइंडिंग, सर्किट डायग्राम, साथ ही साथ हैंड स्किल ICO पे काम कराते हैं, जितने भी IC होते हैं, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड या फिर डुअल डेकर CPU, सब कुछ आपको काम कराते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये J2301 ये एक फिंगरप्रिंट का कनेक्टर है। अगर हम लेआउट में ढूंढने जाएंगे तो जे डालेंगे 2301 और चेक करते हैं यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट हमारा है सेंसर यहाँ पे है Redmi Note 8 में। फ्रेंड्स, ये जो कनेक्टर है आपका, ये फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, फिंगरप्रिंट का कनेक्टर है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 10 पिन यहाँ पे है, 1 2 3 4 5, 5 पिन लेफ्ट साइड में है और 5 पिन राइट साइड में आपको देखने को मिलेगी, 6 7 8 9 10, तो 10 पिन यहाँ पे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक नंबर से स्टार्ट करते हैं, एक नंबर पे IRQ इस तरह से लिख के है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो लाइन होती है फ्रेंड्स, FP माने फिंगरप्रिंट और INT का मतलब होता है इंटरप्टेड नेगेटिव सप्लाई। तो ये जो लाइन होती है फ्रेंड्स, ये CPU से डायरेक्टली आती है और बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक डायोड जो कि पैरेलल कनेक्शन में लग के है, FV
2307। अगर मैं आपको बोर्ड में बताना चाहूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2307, ये जो डायोड है इसी लाइन के साथ आपकी कनेक्टेड है। उसके बाद यही सप्लाई आपकी सीपीयू में चले जाती है। यहाँ पे मैं आपको ब्लॉक डायग्राम में बताने की कोशिश करूंगा। एक नंबर पिन, जैसे कि आप देख सकते हैं जहां पे INT लिखकर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नंबर पिन FP INT नेगेटिव सप्लाई, ये देख सकते हैं डायरेक्ट ये सीपीयू से आती है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड दो नंबर तीन नंबर हमारा ग्राउंड है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो और तीन ग्राउंड लिखा है। डायग्राम में भी मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो नंबर तीन नंबर ग्राउंड है, डायरेक्टली यहाँ पे नीचे ग्राउंड हो रहा है, ये ग्राउंड का सिंबल है जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए अगर चार नंबर की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वोल्टेजेस आते हैं 3.3 से 2.8 वोल्टेज आपको अलग अलग हैंडसेट में देखने को मिलेगा, और पैरेलल में यहाँ पे एक कैपेसिटर है 1.0 UF का, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि C2311, यहाँ पे एक पैरेलल कनेक्शन में कंपोनेंट एक कैपेसिटर लग के है। अगर मैं लेआउट में बताना चाहूं C2311, तो अगर आप देखेंगे C2311 यहाँ पे डालते हैं C2311 और चेक करेंगे कहाँ लग के हैं, ये देख सकते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर के जस्ट ऊपर ही यहाँ पे एक कैप लग के है, जहां पे आपको 2.8 से 3.3 की सप्लाई यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो कि वोल्टेज फॉर फिंगरप्रिंट के लिए है। इसके अलावा फ्रेंड्स पांच नंबर पे अगर आप देखें, और ये जो सप्लाई आती है फ्रेंड्स ये पावर IC से आती है, जैसे कि मैं यहाँ पे भी फोटो में बताऊंगा। इसके अलावा एक और वोल्टेज चाहिए VDD 1.8, यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज ड्रेन ड्रेन जिसे कहा जाता है 1.8 वोल्टेज, जो कि VIO वोल्टेज होता है हमारा इनपुट और आउटपुट के लिए, जो कि VRE की सप्लाई होती है। और ये इतने सारे पेजेस में आपको देखने को मिलेगी, जैसा आप देख सकते हैं इतने सारे सेक्शंस में ये जाती है 1.8 सप्लाई, और ये VRE जो सप्लाई होती है फ्रेंड्स ये भी पावर IC से ही आती है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, ये देख सकते हैं पावर IC, जहां पे 3.3 वाली सप्लाई हमारी पावर से आ रही है, साथ ही साथ VDD VIO जिसे हम VRE सप्लाई बोलते हैं, ये भी आपकी पावर AC से ही आती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कभी कभार बीच में आपको कोई LDO देखने को मिलेगा, यहाँ पे VPH की सप्लाई उसको दी जाती है, उसके बाद यहाँ पे वो कन्वर्ट करके 3.3 या फिर 2.8 यहाँ पे जनरेट करके देता है। तो फ्रेंड्स अगर कभी डायरेक्ट आती है कभी बीच में LDO आपको देखने को मिल जाएगा, अदरवाइज पावर AC के अंदर ये भी LDO की ही सप्लाई होती है, जहां पे VREG VREF आपको लिखकर देखने को मिलेगा। फ्रेंड ये कैसे मैंने जान लिया कि पावर AC से आ रही है, LDO कौन से LDO से आ रही है, ये भी हम जान सकते हैं कितना वोल्टेज वहां पे आ रहा है, या बाईपास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा क्लास के अंदर। यहाँ पे पांच पिन हमने समझ लिए फ्रेंड्स लेफ्ट साइड के, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब राइट साइड में अगर छह नंबर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सीरियल क्लॉक की सप्लाई है, और ये जो पिन होती है फ्रेंड्स इसे SPI हम प्रोटोकॉल कहते हैं, जिसे सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस कहते हैं। इसके अंदर चार पिने होती हैं वर्क के लिए, जैसे I2C में दो पिन हम देखते थे सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा, उसी तरह से SPI जो हमारा लेटेस्ट प्रोटोकॉल है जो कि CPU के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं SPI सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, ये सब फिंगरप्रिंट के लिए सप्लाई है। जहां पे आपको यहाँ पे छह नंबर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सीरियल क्लॉक की सप्लाई है, और सात नंबर पे देखेंगे आप तो यहाँ पे चिप सेलेक्ट, जिसे स्लेव सेलेक्ट भी कहते हैं, तो सात नंबर हमारा चिप सेलेक्ट है, और आठ नंबर हमारा MISO मास्टर इन स्लेव आउट इसे कहा जाता है, और नौ नंबर है MOSI MOSI मास्टर आउट स्लेव इन जिसे कहा जाता है। ये चार एक प्रोटोकॉल है जिसके बारे में मैं आपको क्लास में लाइव बताऊंगा कि कैसे ये SPI प्रोटोकॉल वर्क करता है। जहां पे आप देख सकते हैं सीरियल क्लॉक CPU के साथ कनेक्टेड है, चिप सेलेक्ट हमारा CPU के साथ कनेक्टेड है, MISO लाइन हमारी CPU के साथ कनेक्टेड है, MOSI हमारा CPU के साथ कनेक्टेड है। इसके बाद लास्ट जो फाइनल लाइन है फ्रेंड्स हमारी 10 नंबर रीसेट नेगेटिव सप्लाई है, ये भी जो सप्लाई होती है फ्रेंड्स फिंगरप्रिंट की नेगेटिव सप्लाई, ये भी CPU के साथ ही कनेक्ट होती है, जैसे कि मैं आपको यहां पे ब्लॉक डायग्राम में बताने की कोशिश किया हूं। तो जैसे कि फिंगरप्रिंट में आपने देखा फ्रेंड्स यहां पे छह लाइन जो है CPU से आ रही है,
और दो इसमें ग्राउंड है और दो पिन हमारे पावर एसी के साथ कनेक्टेड है। तो फ्रेंड्स ये फिंगरप्रिंट कैसे काम करता है, सप्लाई कैसे आती है, कहाँ कितना वोल्टेज आता है, कब सिग्नल आता है, कहाँ पे रीसेट के यहाँ पे डाटा आता है, ये सब कुछ आपको मैं बताऊंगा क्लास के अंदर। कैसे आपको डीएसओ से चेक करना है या फिर आपको कैसे समझना है, जितने भी सेक्शंस होते हैं फ्रेंड्स मोबाइल के पीसीबी में, सब कुछ आपको यहाँ पे हम सिखाएंगे कि कैसे कंपोनेंट सीरीज पैरेलल में लग के कंपोनेंट को कैसे चेक करना है, कोई भी सेक्शन कैसे काम कर रहा है, ये अगर आपको सीखना है ज्वाइन करना होगा आपको फोनफिक्स हैदराबाद जो कि हमारे तेलंगाना में इंस्टीट्यूट है। अगर आप एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, सर्किट की नॉलेज के साथ साथ हैंड स्किल का काम सीखना चाहते हैं, तो जल्दी से कॉल उठाइए, व्हाट्सअप करिए, फोन उठाइए, व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, डिटेल ले लीजिए कोर्स की। बहुत ही इंडिया के अंदर सबसे कम फीस हमने रखी है फ्रेंड्स एंड्रॉयड की, पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग जहां पे मिलेगी आपको, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और ईएमसी प्रोग्रामिंग हम आपको सिखाएंगे, साथ ही साथ रहने का कोई चार्ज नहीं है फ्रेंड्स, रहने का बिल्कुल फ्री है, फ्री है, फ्री है, आप आ सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको ईएमसी का एक क्लास है हमारा 10 दिन का, जिसके अंदर हम पूरी ईएमसी प्रोग्रामिंग सिखाएंगे यूएफआई और इजी जेट अटैक के साथ, उसमें भी आपको रहने का चार्ज कोई नहीं है, रहने का रूम फ्री है। और ईएमसी का जो फीस रखा गया है फ्रेंड्स ओनली 20,000 विथ रूम के साथ, कोई चार्ज नहीं है आपको एक्स्ट्रा, ओनली 20,000 रुपीज, जिसमें आपको रहना बिल्कुल फ्री है। 10 दिन की ट्रेनिंग, 10 घंटा प्रैक्टिकल क्लास होगी, लाइव डेमो लाइव क्लासेस चलेंगे आपके, 10 घंटा प्रैक्टिकल क्लास होती है जहां पे आप अपने 10 से 15 20 हैंडसेट अपने ला सकते हैं, प्रोग्रामिंग के जो भी हैंग ऑन लोगों के प्रॉब्लम है या अनलॉकिंग करना है या प्रोग्रामिंग करना है, सब कुछ आपको क्लास के अंदर सिखाया जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें, शेयर करें, अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें, जाके हमारे वीडियोस के लिस्ट में देखिए आप, हार्डवेयर के काफी सारे हमने वीडियोस डाले हैं, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, डिस्प्ले कैसे काम कर रहा है, काफी सारे सर्किट की नॉलेज हमने दी है आईसीओ के डिटेलिंग के साथ साथ। चूंकि फ्रेंड फोनफिक्स हैदराबाद टीम का ये एक मोटिव, ये एक हमारा मकसद है कि हर टेक्नीशियन प्रोफेशनल टेक्नीशियन बन के अच्छे से काम करे। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें, शेयर करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।